की सुर्खियों पर। नगर निगम के लाल माटी जोन दफ्तर में लोकायुक्त का छापा, टैक्स कलेक्टर लिपिक अजमेर सिंह टेकाम को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। नगर निगम में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप नए नहीं है। विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के भी कई पार्षद दबी जुबान से अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा यहां जारी काली कमाई के किस्से बताते रहते हैं, पर यह बात उस समय जग जाहिर हो गई जब यहां एक कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। लोकायुक्त ने यह कार्यवाही की। हैरत की बात तो यह है कि जिस टैक्स कलेक्टर को यहां पकड़ा गया है उसका काम टैक्स जमा करने का था, लेकिन वह टैक्स कम करने के नाम पर लोगों से हजारों रुपए वसूल रहा था। इस तरह यह रिश्वतखोरी निगम को ना जाने कितने लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा चुका होगा। इस मामले की अब अग्रिम पड़ताल की जाएगी। नगर निगम के लाल माटी जोन में टैक्स कलेक्टर कम लिपिक अजमेर सिंह टेकाम पदस्थ हैं। अजमेर सिंह को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। सूचना के अनुसार आरोपी बाबू अजमेर सिंह ने प्रार्थी रोहित कनौजिया से रिश्वत ली थी। रोहित से टैक्स सेटलमेंट के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। इस बात की शिकायत रोहित ने लोकायुक्त पुलिस को कर दी। लोकायुक्त ने जाल बिछाया और आरोपी बाबू को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। शिकायतकर्ता लाल माटी चांदमारी पहाड़िया का रहने वाला है। रोहित के अनुसार टैक्स राशि ज्यादा होने की उन्होंने शिकायत की थी, तो आरोपी ने उसे टैक्स कम करने के एवज में पैसे लगने की बात कही। सौदा तय होने के बाद उसने लोकायुक्त को शिकायत की थी। लोकायुक्त के डीएसपी दिलीप झरबड़े, निरीक्षक मनोज गुप्ता की टीम ने योजना अनुसार 2000 रुपए मुहैया कराए और फिर रिश्वत लेते ही आरोपी को पकड़ लिया। अरे किसी चीज के लिए दिए कितने से बता टैक्स दूसरा वाला दो तीन लोग चलते होते क्षेत्र क्षेत्र के भाई फोन तुमने। मोहनिया में शुरू हुआ निर्माण, एमआईसी के साथ महापौर ने किया मुआयना। 6 मंजिला होंगे पीएम आवास, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। शहर में पीएम आवास योजना के आवासों के निर्माण में तेजी आ गई है। पहले चरण में मोहनिया में 1632 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ बन रहे आवास 6 मंजिला होंगे, इनमें लिफ्ट की सुविधा भी होगी। इसके अलावा गार्डन, प्लेग्राउंड, सामुदायिक भवन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य सुविधाएं भी होंगी। शुक्रवार सुबह महापौर स्वाति गोडबोले ने एमआईसी मेंबर के साथ मोहनिया पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान निगम अध्यक्ष सुमित्रा बाल्मीकि, योजना प्रभारी नवीन रिछारिया, एमआईसी मेंबर रेखा सिंह, वीड़ा जैन, वार्ड पार्षद डीपी कुमरे, कार्यपालन यंत्री संजय पांडे, सहायक यंत्री सुनील दुबे मौजूद थे। मोहनिया में बन रहे पीएम आवासों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया निगम ने शुरू कर दी। पीएम आवासों के लिए आवेदन करने वाले से निगम ने संपर्क आवासों की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जा रही है। महापौर में मौके पर मौजूद निर्माण एजेंसी निगम ने महापौर जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का निरीक्षण किया गया। हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट कहना है कि सबका साथ सबका विकास, और उसी तारतम्य में उस अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री योजना का काम चालू किया, जिसके तहत मोहनिया में 1632 आवास बनाए जा रहे हैं, जिसमें LIG, MIG और HIG, उन सभी लोगों की चिंता की गई है, जिसमें जिनको रहने में बहुत दिक्कत होती है, उन झुग्गी झोपड़ी में उन व्यक्तियों की चिंता की गई है जो बरसात में अपने घर में अच्छे से रह नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह योजना चालू की गई है, और जिनको बहुत सस्ते दरों पे यह मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। आज उसी तारतम्य में हमारी माननीय महापौर जी के द्वारा, हमारे MIC के द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया गया, और साथ ही साथ ठेकेदार को यह भी निर्देश दिए गए हैं
कि काम की क्वालिटी और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और उसमें हम लोग कोई भी कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। शिक्षा अभियान की बैठक में निगम कमिश्नर और बिजली विभाग के अधीक्षण यंत्री की खिंचाई, डोर टू डोर और बेतहाशा बिल पर अधिकारियों की लगी क्लास, गली कूचों से कचरा उठ नहीं रहा है, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन फेल है, शहर की सफाई व्यवस्था ढप है, इसे दुरुस्त किए बिना शहरवासियों के घरों में 6 करोड़ के मीटर लगाने का क्या औचित्य है। विधायक अशोक रोहाणी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में दिशा की बैठक में ये सवाल उठाए और निगम प्रशासन पर नाराजगी जताई। अनाप शनाप बिजली बिल आने की उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी व सुनवाई न होने पर विधायक अंचल सोनकर, सुशील तिवारी, इंदु नंदिनी मरावी व जिला पंचायत अध्यक्ष मनोरमा पटेल ने बिजली अधिकारियों की क्लास लगाई। 4 घंटे चली बैठक की अध्यक्षता कर रही सांसद ने मामले में कार्यवाही का निर्देश दिया। कलेक्टर महेश चंद्र चौधरी ने बिजली विभाग के तीनों अधीक्षकों यंत्री को शो कॉज नोटिस जारी करने का निर्देश। फसल बीमा योजना में फिसड्डी रहने, अटल पेंशन योजना के तहत लोगों का जीवन बीमा ना करने, रोजगार मुखी योजनाओं में ऋण देने के लिए आवेदकों को भटकाने के मामले में बैंकर्स को फाइनल अल्टीमेटम दिया। सांसद सिंह व कलेक्टर चौधरी ने स्पष्ट किया कि परफॉर्मेंस नहीं सुधरने पर कार्यवाही के लिए तैयार है। सांसद सिंह ने बैठक में डुमना नेचर पार्क में टाइगर सफारी बनाने के प्रोजेक्ट पर जानकारी मांगी कि निगम को जमीन देने में क्या समस्या है। महापौर ने कहा, खंडारी जलाशय से शहर को जलापूर्ति होती है, यदि यह हिस्सा वन विभाग को दे दिया तो समस्या होगी। उनका यह भी कहना था कि निगम को जमीन के एवज में जमीन मिलना चाहिए। कलेक्टर और वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जलाशय निगम के पास ही रहेगा। सभी ने सर्वसम्मति से प्रोजेक्ट पर आगे काम करने की बात कही। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। आपका कहना ये है कि नाले का पानी नाले के बस पहले से अपना ही नाला बना है, अब पानी छोड़ दिया पर कोई चला जाए, जिम्मेदार व्यक्ति जाए और इनके साथ में जो ये बता रहे हैं और उसको जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि अभी पानी की स्थिति होगी वहाँ। मोहनिया के लोगों ने समस्या का निराकरण न होने पर जताया आक्रोश। पानी के लिए रोका महापौर निगम अध्यक्ष का वाहन। लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे मोहनिया के लोगों ने शुक्रवार को महापौर का रास्ता रोक दिया। इसके बाद निगम अध्यक्ष MIC मेंबर का वाहन भी रोका। पानी की समस्या का समाधान न होने पर क्षेत्रीय पार्षद को खरी खरी सुनाई। मोहनिया में बन रहे PM आवासों का निरीक्षण कर लौट रही महापौर स्वाति गोडबोले के वाहन को देखते ही पहले तो उनका इंतजार कर रहे मोहनिया बस्ती के महिला पुरुष सड़क पर आ गए। पिछली बार जब महापौर यहां आई थी तब भी क्षेत्रीय लोगों ने उनसे पानी की समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया था। इसके बाद निगम अध्यक्ष के वाहन को रोका गया। उन्होंने जल्द ही समस्या दूर करने की बात कही। इसके बाद MIC मेंबर रेखा सिंह का वाहन पहुंचा। लोगों ने उनके समक्ष भी आक्रोश जताया तो उन्होंने क्षेत्रीय पार्षद DP कुमरे को बुलाया। लोगों ने उन्हें भी खरी खरी सुनाई। लोगों द्वारा रास्ता रोके जाने के बाद निगम प्रशासन हरकत में आया। दोपहर बाद अधिकारी क्षेत्र में निरीक्षण के लिए पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान विजय सेन, मीरा नंदीबाई सेन, सावित्री यादव, अछेंद्र सिंह, अशोक सिंह, रामचरण यादव, जालिम सिंह, विक्की सिंह, शिव पटेल आदि मौजूद थे। ये लाइन मांगनी मोहल्ले के लिए बिछाई गई है, यहाँ पर पानी से छेड़छाड़ हो रही है। दो मकानों में पूरा कनेक्शन करके और अपना पानी ताला लगा के और समझ लो कहीं और रह रहे हैं, पूरा पानी अपने घर में भर रहे हैं। ये कंप्लेन हमने लिखे में आपको कोई नहीं सुनता हम लोग। दूसरे दिन भी जारी रहा दुर्गा प्रतिमा स्थापना का दौर। सुनहरे दुर्गोत्सव समिति में पत्रिका ने की आरती, उमड़े लोग। बारिश के कारण नवरात्र उत्सव की तैयारियां प्रभावित हुई, कई जगहों पर तो प्रतिमा स्थापित नहीं हो सकी। ऐसे में दूसरे दिन दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना की गई। दुर्गोत्सव समिति सुनाराई में माता रानी के सजे दरबार की ओर से गुजरने वाले लोगों के पांव टहल रहे थे।
नक्शे शिक्त जवाहरात से सजी भगवती की नैनाभिराम प्रतिमा के समक्ष कोई हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था तो कोई आरती कर रहा था। कई फोटो और सेल्फी के साथ याने सजो रहे थे। पत्रिका ने शुक्रवार को शहर की सबसे पुरानी दुर्गोत्सव समिति में मां की आरती की। यहां परंपरागत मूर्ति कला का सजीव दृश्य है। बुंदेलखंडी अलंकृत शैली की परंपरा में माता रानी सोने चांदी के आभूषणों से सुसज्जित है। मुख्य दशहरा चल समारोह का नेतृत्व करने वाली सुनहरी समिति का गौरवशाली इतिहास 151 वर्ष पुराना है। ब्रिटिश हुकूमत में स्वर्गीय मक्कन देवी और मुनीर मोहम्मद ने सराफा स्थित कुएं पर पहली प्रतिमा स्थापित की थी, जो संस्कारधारी में आज भी सद्भाव की मिसाल है। समिति के बुजुर्ग सुभाष अग्रवाल बताते हैं कि मुस्लिम परिवार ने पहली प्रतिमा स्थापित की थी। आज भी प्रतिमा के पीछे लकड़ी की तख्ती लगी रहती है, इसमें हरा कपड़ा होता है जो सद्भाव की सीख देता है। जो आज 152 वर्ष पूर्ण कर चुकी है, ये प्रतिमा जो है आंदोलन में काटी जाती थी। समय को देखते हुए सभी की सहमति से प्रतिमा को माता रानी का रथ बनाया गया है, आज उसमें निकाली जाती है। यह मूर्ति 152 साल के साथ साथ ये बुंदेलखंडी मूर्ति कहलाती है, प्रतिमा कहलाती है। इसमें स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित है और इसके मूर्तिकार आजकल राकेश चक्रवर्ती हैं हमारे, और माता रानी बैठने के दिन यहाँ पर आसन होता है तो पूजा स्थापना होती है। 22 घंटे में 11 इंच बड़ा बरगी बांध का जल स्तर 15% अब भी खाली। चार दिन से हो रही बारिश में भेड़ाघाट नर्मदा तटों में पानी बढ़ा। बीते चार दिन से हो रही बारिश का असर नर्मदा तटों से लेकर जलाशयों में भी दिखने लगा है। ग्वालीघाट तिलवारा घाट में जल स्तर बढ़ा हुआ है। बरगी जलाशय में 22 घंटे में 25 सेंटीमीटर जल स्तर बढ़ा है, जबकि खंडारी जलाशयों में 1 फीट व परियर जलाशय में आधा फीट जल स्तर बढ़ चुका है। बरगी जलाशय 85% भर गया है। मुआतार में भी जल स्तर बढ़ गया है। नर्मदा महोत्सव को एक पखवाड़ा रह गया, इसके मद्देनजर धुआंधार के आसपास सुरक्षा रैलिंग लगा दी गई है। हर साल बाढ़ के मद्देनजर बारिश के पहले जलप्रपात के आसपास की रैलिंग निकाल दी जाती है। बारिश कम होने पर सितंबर अक्टूबर के महीने में रैलिंग फिर से लगा दी जाती है। विधायक ने कहा भ्रष्टाचार के लिए जनता दोषी। कटनी में संकल्प सिद्धि कार्यक्रम में बोले भ्रष्टाचार के लिए आमतौर पर सीधे अधिकारियों और नेताओं को दोषी ठहरा दिया जाता है, जबकि इसके लिए जनता भी बराबर की दोषी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में विजय तब मिल सकती है जब जनता भी आवाज उठाए। जनता को विरोध करना शुरू करना होगा, ये बातें कटनी में विधायक संदीप जायसवाल ने कही। वे गवर्नमेंट तिलक कॉलेज में संकल्प सिद्धि कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है भ्रष्टाचार के मामले का। बहुत सारी बातें हम करेंगे, सुविधाएं सहूलियत की मैं बात कर रहा हूँ। कभी आप क्रेडिट पाटा ओवर ब्रिज के बगल में खड़े हो जाना घर चौराहे पे, जिनके घर स्टोर है वो लेफ्ट हैंड से ना आके सीधे राइट हैंड से गलत एंट्री कर।
करते हैं और सीधे बोलना पसंद करते हैं। पढ़े लिखे लोग वो तो किसी नेता ने नहीं कहा, गायत्री नगर की पुलिया डबल हो गई है नंदा भैया, वो जिसको जहां से जाना चाहेगा चाहे कुछ भी हो जाए सही दिशा से चलना पसंद ही नहीं करेगा। अब वो 12 फीट की सड़क में आपके सामने बड़ी बड़ी गाड़ी, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, मैं देखता हूं ये 12 फीट की गली से जा रहे हैं, वो सामने से कार लेके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको अंदर से सोचना होगा कि ये देश हमारा है। आज जिन पेड़ों की छाव हम ले रहे हैं 40, 50, 100 साल पुराने, उनको लगाने वालों ने अगर इस स्वार्थी भावना से सोचा होगा कि अरे पेड़ लगा के क्या करना है, इसके फल हमको नहीं मिल रहे, इसकी छाव हमको नहीं मिल रही, तो क्या आज वो फल वो छाव हमको मिल पाती। लेकिन हम इतने स्वार्थी है कि हम पेड़ इसलिए नहीं लगाते करे हमको थोड़ी फल मिल रहे। जो अंग्रेजों के समय के नाले नालियां पुल रेलवे लाइन के विस्तार आज हमें खुशी है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सी नई योजनाओं पे काम कर रही है। कटनी से मैयर तक चुनरी यात्रा, मां शारदा को चुनरी चढ़ाने पैदल यात्रा करेंगे श्रद्धालु, सड़क मार्ग से 50 फीट की चुनरी लेकर रवाना। मां शारदा माता से मांगी गई मुराद पूरी होने पर शहर के कुछ श्रद्धालु मैयर के लिए चुनरी यात्रा निकाल रहे हैं। ये चुनरी यात्रा शुक्रवार को कटनी से मैयर के लिए रवाना हुई। बैंड बाजे और भक्ति गीतों के साथ 50 मीटर की चुनरी लेकर माता के भक्त मैयर तक पैदल जाएंगे। यात्रा में शामिल संदीप ने बताया कि मन्नत पूरी होने पर एक परिवार के सदस्य चुनरी यात्रा कर रहे हैं। सड़क मार्ग से जाकर मैयर में मां शारदा देवी के मंदिर में चुनरी अर्पित की जाएगी। ये कोई मन्नत है या कि कुछ और है? काहे की मन्नत, काहे की मन्नत है? ये किन्ने किन्ने मन्नत मांगी, मन्नत मांगी थी? क्या नाम आपका? संदीप यादव। स्थापना शस्त्र राजस्व शाखा की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कलेक्टर विशेष करपाले ने कलेक्ट्रेट का किया औचक निरीक्षण। इस दौरान कलेक्टर स्थापना शास्त्र शाखा, नाजराज शाखा, राजस्व सहित अन्य शाखाओं में गए, वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गड़बड़ी मिली तो अधिकारियों ने व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। बरामदे में फर्नीचर सहित अन्य व्यवस्था में सुधार के लिए कहा है। आरईएस विभाग में गंदगी देखकर कलेक्टर भड़क गए। उन्होंने गंदगी के लिए अधिकारियों को लगाई फटकार। दोबारा गंदगी मिलने पर 2000 रुपए जुर्माना लगा देने की चेतावनी भी दी है। और दो गमले आप पहले यही रखा सुंदर जाएगा, नीचे वाली महंगी है, अपने बजट के हिसाब से बजट आता जैसे आपको मिल जाए मैहर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वल्पाहार का स्टॉल, कटनी में देवी के भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था। 6 साल से अनूठी सेवा शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर जहां दर दर पर मां की सेवा पूजन का दौर जारी है, वहीं शहर में एक युवक द्वारा 6 साल से सेवा की अनूठी मिसाल पेश की जा रही है। कटनी विकास प्राधिकरण कार्यालय की बाजू में स्थित मां दुर्गा मंदिर के बाजू में स्टॉल लगाकर महादेव बर्मन द्वारा मां शारदा धाम मैयर जाने वाले श्रद्धालुओं को विशेष सेवा की जा रही है। यहां पर श्रद्धालुओं को भोजन, स्वल्पाहार, नाश्ते की व्यवस्था कराई जा रही है। यहाँ पर श्रद्धालु विश्राम करते हैं, इसके बाद आगे के लिए रवाना होते हैं। यह सेवा प्रकल्प चैत्र और शारदीय नवरात्र दोनों में किया जाता है। ये आप देख रहे हैं कटनी शहर के श्रद्धालु हैं जो मॉडल रोड पर स्टॉल लगाकर यहां से मैहर धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को स्वल्पाहार चाय आदि की व्यवस्था करते हैं। जी क्या नाम है दादा आपका?
महादेव कब से कर रहे हैं ये आप सेवा? हमारे पापा यानी वो करवा रहे हैं, छः साल हो गए, छः साल दोनों के लिए दोनों क्षेत्र वाली में भी होते हैं उपास वालों को जो है उपास के लिए प्रचार। आरएएस इंजीनियर के घर पर छापा, ढेरो फॉर्म में मिला बिजनेस पार्टनर। पुलिस की जांच में इंजीनियर के पास 5 प्लॉट और 12 बैंक खाते। जबलपुर में आयकर विभाग के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर मारे गए छापे से मची हड़कंप के बीच शुक्रवार को लोकायुक्त पुलिस ने कटनी में दबिश दी है, जहाँ ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के एक इंजीनियर के घर पर की गई छापेमारी में आय से अधिक संपत्ति मिलने की सूचना है। सूत्रों के अनुसार लोकायुक्त पुलिस की टीम ने सुबह सुबह आरएएस में उपयंत्री एलएन तिवारी के कटनी में दुबे कॉलोनी स्थित घर पर छापा मारा। घर को चारों तरफ से घेर कर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने इंजीनियर के घर की जांच की। जांच में कई ऐसे दस्तावेज मिले जिसमें उपयंत्री की काली कमाई सामने आई है। लोकायुक्त पुलिस की टीम के साथ कटनी पुलिस के जवानों की एक टीम सुबह करीब 5 बजे उपयंत्री के घर पहुंची। सादी वर्दी में गए लोकायुक्त के जवानों ने इंजीनियर के घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक के बाद एक सभी अधिकारी इंजीनियर के घर में दाखिल हो गए। घर पर सो रहे परिवार के समस्त सदस्यों को उठाकर जांच शुरू कर दी। इस दौरान घर के बाहर पुलिस तैनात रही। घर में बाहर किसी को निकलने नहीं दिया गया और न ही किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर प्रवेश की अनुमति दी गई। प्रारंभिक जांच में उपयंत्री के पास से 5 प्लॉट के दस्तावेज मिले हैं। 12 बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज भी लोकायुक्त के हाथ लगे हैं। दस्तावेजों की पड़ताल में इंजीनियर के 6 से ज्यादा प्राइवेट फर्म में बिजनेस पार्टनर होने की जानकारी भी मिली है। इंजीनियर के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति होने का अनुमान है। इंजीनियर एलएन तिवारी के घर लोकायुक्त पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। कार्रवाई के लिए लोकायुक्त की टीम सुबह 5 बजे यहां पर पहुंची है। खुद एसपी भी कार्रवाई में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति की जांच लोकायुक्त पुलिस कर रही है। करोड़ों की बेनामी संपत्ति भी उजागर हो सकती है। नवरात्र में शहर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे ऑटो। कटनी ट्रैफिक पुलिस का प्लान, भारी वाहनों के प्रवेश पर भी होगी पाबंदी। शहर में नवरात्र में सड़क पर श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर कटनी ट्रैफिक पुलिस ने अभी से प्लान तैयार कर लिया है। ट्रैफिक पुलिस ने नवरात्र में श्रद्धालुओं को परेशान ना हो इसलिए शहर के अंदर ऑटो के प्रवेश रोक दिए हैं। इसके साथ ही 9 दिनों तक शहर के भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्णतः पाबंदी होगी। शाम 7 बजे के बाद देर रात तक अत्यावश्यक कार्य से संबंधित भारी वाहनों को छोड़कर अन्य 4 पहिया वाहनों को घूमकर जाना होगा। नई ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक टीआई लवली सोनी ने शुक्रवार को सभी को निर्देश जारी किए हैं। मलही माता मंदिर में 51 अखंड ज्योति प्रज्वलित। कटनी में स्थित है मंदिर। गाडरवाला में दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना का क्रम जारी। कटनी के चंद्रशेखर वार्ड में स्थित भूमि प्रगट जय मलही माता बावली लोटा में शुक्रवार को 51 अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई।
इससे पहले मंदिर में विधि विधान के साथ पूजन हुआ। घट स्थापना के बाद मंत्रोपचार के साथ ज्योति प्रज्वलित की गई। मंदिर में नवरात्र के अवसर पर अखंड ज्योत प्रज्वलित करने की करीब 100 दशक पुरानी परंपरा है। गार्डन वाला दूसरे दिन भी चला स्थापना हेतु प्रतिमा ले जाने का दौर शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। नगर के अस्पताल रोड से स्थापना के लिए प्रतिमाएं अनवरत रवाना होती रही। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बैंड बाजे और माता के जयकारे के बीच प्रतिमाओं की स्थापना की। तो ये थे आज के समाचार। अन्य खबरों के लिए बने रहें पत्रिका पर, या फिर आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.patrika.com पर। नमस्कार, जय हिंद।